लोकसभा चुनाव में हमने बताया कि 9 की 9 विधानसभा सीटें सिरसा की कांग्रेस ने जीती। अच्छा, विधानसभा में क्या लग रहा है? विधानसभा में देखिए, वो पंजाब का 60 लाख का इलाका है और आंदोलन, जो किसान आंदोलन हुआ, इफेक्टिव होगा। गोपाल कांडा के मुकाबले हैं गोकुल सेतिया जी। गोकुल सेतिया नवासे हैं चौधरी लक्ष्मण दास अरोड़ा के, जो लक्ष्मण दास जी वहाँ के कई बार विधायक रहे, सूबे के गृह मंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे। कैसा चुनाव इन दोनों के बीच में हो सकता है? मुझे लगता है इन दोनों के बीच में फाइट है और कोई कैंडिडेट बीच में है नहीं। अगले विधानसभा की बात करें तो सिरसा की दूसरी विधानसभा डबवाली जी, आजकल वहाँ से अमित सिहाग विधायक हैं, आदित्य देवीलाल, अमित सिहाग, दिग्विजय चौटाला और यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं सरदार बलदेव सिंह जी। कैसा चुनाव समझे यहाँ का? अगली विधानसभा की बात करते हैं इलाहाबाद, अभय सिंह चौटाला 2014 में विधायक, 2009 में विधायक, यही इलाहाबाद से। हाँ हाँ, एक अकेला सब पे भारी जी। हाँ, अभय चौटाला के लिए मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप हरियाणा विधानसभा की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है उनको उठा करके देखिए, नहीं संदेह जो आपने कहा वो बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था जी, रंजीत सिंह चौटाला 87 में MLA बने एक बार जी, उसके बाद उनका जो दूसरा दाव लगा वो 2019 में लगा। अब चर्चा ये सुनने में आ रही है कि रंजीत सिंह चौटाला सरेंडर भी कर रहे हैं चुनाव में, आपने सुना कहीं? अगली विधानसभा पे आते हैं रतिया, लक्ष्मण नापा यहाँ से MLA थे। दोस्तों नमस्कार, हरियाणा विधानसभा चुनाव जो 5 अक्टूबर को होना है, यानी कि हरियाणा की 5 साल की सरकार का चयन जो हरियाणा की जनता करेगी 5 अक्टूबर को अपने मतदान से, उस चुनाव को लेकर के माहौल क्या है, हरियाणा की जनता के दिल में क्या है, हरियाणा के दिल में क्या है, हम लगातार आपसे चर्चा किया करते हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें मैंने आपको कई बार बताया कि हमने उनको 10 जोन के हिसाब से बांटा हुआ है, यानी कि हर रोज आपसे हम 9 सीटों की चर्चा करते हैं। अभी तक हम आपसे 54 सीटों पर चर्चा कर चुके हैं हरियाणा की, 54 सीटों पर, यानी कि 6 लोकसभा की सीटों पर। जिन पर चर्चा आपसे की है उसमें गुरुग्राम है, भिवानी महेंद्रगढ़ है, उसमें हिसार है, उसमें रोहतक है, उसमें कुरुक्षेत्र है और उसमें सोनीपत है। आज 7वीं लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे आपसे, और वो लोकसभा है हरियाणा की, वो लोकसभा जो पंजाब और इधर राजस्थान दोनों बॉर्डर से जुड़ती है। लोकसभा का नाम है सिरसा। सिरसा से कुमारी शैलजा सांसद हैं। अभी हाल ही में जब 4 महीने पहले चुनाव हुआ तो सिरसा की सभी 9 की 9 सीटें, यानी कि जो सिरसा लोकसभा में 9 विधानसभा की सीटें हैं, उन सभी पर कांग्रेस जीती, कुमारी शैलजा जीती। विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है, विधानसभा चुनाव में जनता के मन में क्या है, या जो हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं जो लोगों से बातचीत के आधार पर, उसमें क्या समीकरण बना हुआ है, चर्चा करेंगे देवेंद्र सुरजेवाला जी। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और लगातार आप हमारे साथ देखते भी हैं इनको, और हरियाणा सरकार के बड़े अधिकारी रहे हैं। सुरजेवाला जी, सिरसा को अगर हम शॉर्ट में लें तो सिरसा क्या सिरसा है? जैसा आपने बताया कि वो पंजाब से सटा हुआ है और उधर राजस्थान को भी टच करता है, हरियाणा के अंतिम छोर पे है ये जी, और आरक्षित सीट है ये जी, काफ़ी लंबे समय से ही आरक्षित है। यहाँ जो दलबीर सिंह यहाँ से सांसद रहे और एक बार 1977 में जो चांदराम भी यहाँ से सांसद बने, बड़े दलित नेता दोनों। हाँ, दोनों बड़े हरियाणा में, उनका दोनों का ज्वाइंट पंजाब के समय से दो ही नेता हरियाणा के अंदर, चौधरी चांदराम और चौधरी दलबीर सिंह, चौधरी दलबीर सिंह रहे जी। अब उनकी पुत्री जो है शैलजा जी भी वहाँ से सांसद रही जी, बाद में फिर उन्होंने सिरसा छोड़ कर के अम्बाला सीट से भी चुनाव लड़े। सिरसा ने प्रयोग बहुत किए, अशोक तंवर सांसद बने, सुनीता दुग्गल सांसद बनी जी, जरनैल सिंह सांसद बने जी, आत्माराम गिल सांसद बने जी जी जी, कभी लोकदल की टिकट सुशील इंदौरा सांसद बने, तो बड़े बड़े प्रयोग हुए जी जी। लोकसभा चुनाव में हमने बताया कि 9 की 9 विधानसभा सीटें सिरसा की कांग्रेस ने जीती। हाँ जी, विधानसभा में क्या लग रहा है? विधानसभा में देखिए, वो पंजाब का 60 लाख का इलाका है और आंदोलन, जो किसान आंदोलन हुआ, इफेक्टिव होगा। हाँ, उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके किसानों ने वहाँ पे
आपने जो है आंदोलन में हिस्सा लिया था। चौधरी देवीलाल के साथ सिरसा की पहचान रही है जी। सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल परिवार की इस विधानसभा में भी जी जी चौधरी रंजीत चौटाला सिंह, रंजीत सिंह चौटाला थे विधायक एलनाबाद से, अभय सिंह चौटाला विधायक थे यहाँ पर डब्बाली से, अमित सिहाग विधायक, हालांकि अमित सिहाग देवीलाल जी के दूर के रिश्ते में है लेकिन उनके परिवार कुनबा एक ही है, खानदान कह देंगे, एक ही खानदान है। ये सभी MLA थे जी जी सिरसा से ही जी। अगर हम विधानसभा वाइज अब चलेंगे तो पहले ये बताते हैं कि अब की बार चौधरी देवीलाल का परिवार का क्या लग रहा है वहाँ पर। देखिए चौधरी देवीलाल का परिवार का वहाँ कई बार तो काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा, बीच बीच में कुछ कम भी हुआ, डाउनफॉल भी आया। हाँ, जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने जी, फिर एक बार उभार आया जी। और सिरसा में चौटाला साहब के आने के बाद जी इन NLO का या इनके परिवार का काफ़ी अच्छा ग्राफ बढ़ा। हाँ, ग्राफ बढ़ा था और वो कुछ समय तक बरकरार भी रहा। लोगों की पहचान है परिवार की जी, राजनीतिक परिवार है, वैसे तो हरियाणा में ही है बट वो चूंकि गृह जिला है तो उसके अंदर निसंदेह लोगों में इस बात अब की बार भी असर तो रहेगा चौधरी देवीलाल परिवार का। असर तो है, देखिएगा अब भी उनके परिवार से या काफ़ी चुनाव मैदान में है, कई लोग हैं, रंजीत सिंह चौटाला हैं, अभय सिंह चौटाला हैं, आदित्य चौटाला हैं, दिग्विजय चौटाला हैं, सुनैना भी हैं, इसी लोकसभा में ही है, फतेहाबाद से है, फतेहाबाद से हैं जी। तो देवीलाल जी के दोहते भी, ओम प्रकाश चौटाला जी के दोहते भी हैं, टोहाना से कुणाल जी। विधानसभा सीधे आते हैं जी। सबसे पहली अगर सिरसा लोकसभा का हेडक्वार्टर कहें तो सिरसा, हाँ जी, सिरसा जिले का हेडक्वार्टर सिरसा विधानसभा। गोपाल कांडा यहाँ से MLA आजकल भी निवर्तमान विधायक है रहे। इस चुनाव में गोपाल कांडा को अपनी पार्टी हलोपा जी, उसके कैंडिडेट, BSP का समर्थन जी, INLD का समर्थन, पर्दे के पीछे BJP का समर्थन, पर्दे के पीछे इसलिए कह रहा हूँ कि कैंडिडेट ने नाम ही वापस ले लिया। हाँ जी, गोपाल कांडा के मुकाबले हैं गोकुल सेतिया जी। गोकुल सेतिया नवासे हैं चौधरी लक्ष्मण दास अरोड़ा के, जो लक्ष्मण दास जी वहाँ के कई बार विधायक रहे, सूबे के गृह मंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे। हाँ, कैसा चुनाव इन दोनों के बीच में हो सकता है? मुझे लगता है इन दोनों के बीच में फाइट है और कोई कैंडिडेट बीच में है नहीं, मुकाबला दोनों के बीच में है और कड़ा मुकाबला है जी। और जहाँ तक आपने गोपाल कांडा का जिक्र किया, गोपाल कांडा वहाँ से पहले विधायक रहे और उनके ऊपर आरोप भी लगे जी, वो अलग बात है कि वो कोर्ट से वो आरोप से जेल में भी रहे, काफी टाइम में भी रहे, बरी हो गए, हाँ, काफी छवि खराब हुई। कांडा कम कांड ज्यादा करने लगे थे। हाँ, लोगों को वो कांडा, लोग उनको यही कहने लगे कि वो कांड करते इसलिए उनका नाम कांडा है। जबकि जबकि कांडा वो एक्चुअली क्या है कि ये पहले जूते का काम करते थे और उसके बाद धर्म कांटा इन्होंने लगाया था, जो तुलाई का काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो धर्म कांटे को पंजाबी में कांटा कांडा कहते हैं, कांटा कहते हैं वैसे तो, कि कांटे पे तोल पंजाबी पंजाबी कहते हैं कंडा, कंडा है, कांडा है अभी। हाँ, कांटा को कंडा या कांडा ही कहते हैं। तो वो कांटा वाला, कांडे वाला, कांडा, वो कांडा पड़ गया। मैं समझता था कोई वैश्य अग्रवाल समाज का कोई ये भी गोत्र होगा, ये नहीं है, नहीं है, ये इनके व्यवसाय से जुड़े। ये आज खोल दिया कि धर्म कांटे से इनका कांडा बने। हाँ, और कांड से भी कांडा। हाँ, चलिए तो फिर वो काफी इनकी छवि खराब रही, लेकिन पिछली बार ये इन्होंने एक अपने अलग से पार्टी, किसी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, पार्टी 14 में बुला ली थी। हाँ, वो अछूत सा समझ करके कोई 14 के चुनाव में इनकी गोपाल कांडा की पार्टी, विनोद शर्मा की पार्टी, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, अलायंस बन गया था। हाँ, और तो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी की सीटें 2 आ गई थी, बाकी ये सब ऐसे ही रह गए जी। अब ये पीछे इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी से लड़े, इंडिपेंडेंटली हलोपा से ही, और विधायक चुने गए, और विधायक चुनते इन्होंने BJP का समर्थन दिया 19 में, और BJP ने एक बार तो कहा शीर्ष नेतृत्व में
कि हमें ऐसे आदमी का समर्थन की जरूरत नहीं है, हम इनको चर्चा हुई कि मैं ये क्योंकि जरूरत थी उस वक्त गोपाल गांडा के मामले में ये कह सकता हूं। वहां से हवाई जहाज में ये वहां से बैठ के आए हैं रणजीत सिंह और ये। मैं वही कह रहा हूं कि एक बात ये थी कि इनको मंत्री बनने की बात थी और वहां पर एक जो साध्वी है उनके बीजेपी निरंजन ज्योति जी, सबसे पहला विरोध उसने किया जी। निरंजन ज्योति जी ने कहा कि इनको मंत्री नहीं बनाना क्योंकि इन पर रेप और मर्डर जैसे आरोप है। मैं वो बता रहा था आपको कि कांडा और बीजेपी की कंडीशन ये रही कि जैसे सीधे छीने की बजाय चिमटे से छूना है, हाँ, पर्दे के पीछे से चिमटे से छुए रखा, वो चलता रहा। खैर इनका अब भी कह रहे हैं आप गोपाल गांडा के समर्थन में जी। इनके अलायंस कर लिया था, एनडीए का पार्ट था, लेकिन टिकट दी नहीं बीजेपी की, अलायंस हाँ। में भी नहीं दी, अपना कैंडिडेट खड़ा किया बीजेपी ने जी, जी। उसका सिंबल विड्रॉ करवा दिया लास्ट में। अब ये जैसे ये घटना आपने जिक्र किया ना, वो विड्रॉ करवा दिया अपने कैंडिडेट से बीजेपी ने, उससे पहले एक घटना और घटी कि जैसे आपने बताया कि इनको टिकट बीजेपी ने टिकट नहीं देना था, समझौते में वो सीट को जानी थी और बीजेपी को वहां से चुनाव नहीं लड़ना था जी। बट बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, जिस बात की कांडा साहब को तकलीफ हुई और इन्होंने अभय चौटाला से समझौता किया, इनेलो से, दोनों पार्टियों के मुझे लगता है ये प्लानिंग थी पहले से ही, जो भी था, क्या ये षड्यंत्र कहिए या प्लान कहिए या इसको क्या रूप है आज भी समझ में नहीं आ रहा। षड्यंत्र तो खुला शब्द हो जाता है और प्लानिंग कह देते हैं कि षड्यंत्र में क्या कमी है। आज भी लोगों को यही नहीं पता कि वो कांडा साहब का बीजेपी समर्थन कर रही है या अभय चौटाला जी। देखो कितनी पलटी है, जब इलेक्शन फार्म भरा कांडा जी ने जी, एक टीवी एंकर को मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उसको कह रहे थे कि हम बीजेपी की सरकार बनवाएंगे, हाँ। हैट्रिक बनेगी और मेरे पिताजी मुरलीधर कांडा ने भी जी बीजेपी के साथ मिलकर के किया हुआ था, जो भी कह लो, मतलब चुनाव लड़ा था वहां से, हाँ जी, हाँ जी। रब्बी कह रहे थे जी। फिर उसके बाद में अजीत अंजुम का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उनके बाद में अजीत अंजुम दिखा रहे थे, देखो झंडा उतर गया, हाँ। और अब फिर झंडा लग गया बीजेपी का, बिल्कुल, मतलब क्या गजब है, गजब। इसको आप लोगों के निगाह में तो ये षड्यंत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये वही राज के लिए नीति, नहीं नहीं नीति भी तो इतनी गंदी क्या है जी। अरे कुछ तो पता चले, आपके विचार क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। कभी आप इनेलो से बताते हैं, बीच में एक बयान आया था कि मैंने कोई समर्थन नहीं मांगा बीजेपी से, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया होगा, हाँ। मेरा उसे कोई लेना देना नहीं, मेरा तो जो है जो अलायंस है वो इनेलो के साथ है जी। अब फिर वो पलटी बार, चलिए तो सिरसा का इलेक्शन समझे क्या, वैसे क्या इलेक्शन है, पिछली बार लगभग 600 वोट से हार गए थे गोकुल सेतिया जी। लक्ष्मण दास अरोड़ा जी का एक अच्छी छवि थी और वो ईमानदारी के तौर पर और लोगों के बीच में उनका एक अच्छा रुतबा, ये उनके नाती हैं गोकुल, उनका जो चुनाव के जो और जो उनका कार्य था राजनीतिक फील्ड में, ये गोकुल सेतिया ही उनके साथ मदद करते थे और साथ रहते थे, काफ़ी अच्छा अनुभव है इनका और बड़ा नाम है गोकुल सेतिया का भी सिरसा के अंदर, हाँ, अच्छा नाम, बड़ा नाम है। तो इस बार वो चूँकि कांग्रेस की टिकट से हैं और जैसा कि ये बताया मैंने कि कांडा साहब का ये इधर उधर उधर मेहता परिवार बड़ा परिवार है, उन्होंने कोई बगावत नहीं की, नहीं, वो भी साथ चल रहे हैं, वो भी ठीक है, कोई कांग्रेस का बागी भी नहीं है वहाँ पर, कोई बागी नहीं है और सारी बातों को हिसाब से अगर देखा जाए तो गोकुल सेतिया वहाँ से सीट निकाल रहे हैं। मुकाबला कैसा है, टाइट है या इजीली निकाल रहे हैं? टाइट तो नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है कि भी गोपाल कांडा को वोट नहीं मिल रही या बहुत पिछड़ गए हो, ऐसा तो नहीं, उनका एक अपना है तरीका, वो कुटिया और कुछ इस तरह का उस लाते वो वोट तो लेंगे, बट सीट जो है वो गोकुल सेतिया निकाल रहे हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं, बिल्कुल, सिरसा से चल के गड्डी उनकी चंडीगढ़ पहुंचेगी जी। तो गोकुल सेतिया सिरसा से, और गोकुल सेतिया को मैंने पहले भी कहा था कि गोकुल सेतिया अच्छी कंडीशन में चुनाव जीत सकते हैं, उनको ग्रीन सिग्नल है जी। अगले विधानसभा की बात करें तो सिरसा की दूसरी विधानसभा डबवाली जी, आजकल वहां से अमित सिहाग विधायक हैं जी, नैना चौटाला भी यहां से एमएलए रही हैं जी, दो बार जी, परिवार के और भी बहुत लोग एमएलए रहे हैं जी,
अमित सिहाग डॉक्टर केवी सिंह के बेटे हैं। डॉक्टर केवी सिंह, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, चौधरी देवीलाल के ओएसडी हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल, जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे। वो अपने भूपेंद्र हुड्डा जी के भी ओएसडी रहे, ओएसडी रहे बाद में। बाद में जी। तो अमित सिहाग कैंडिडेट अब भी कांग्रेस से हैं, निवर्तमान एमएलए हैं। उनके सामने जो इनेलो के कैंडिडेट हैं जी, कभी अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी कांता को जिला परिषद का चुनाव हरा करके भाजपा के नैनतारा हुए थे। यस, नैनों में ऐसे खटके कि पार्टी छोड़ के आ गए जी, और चौटाला साहब के साथ मिल गए। अब उन्हीं चौटाला साहब की, अभय सिंह चौटाला के समर्थन से उन्हीं की टिकट पर जी चश्मा पहन के मैदान में आदित्य देवीलाल। हाँ जी। तीसरा नाम है अभय सिंह चौटाला के भतीजे जी, दिग्विजय चौटाला जी। कह तो सकता था अजय सिंह चौटाला के बेटे तो हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला और दिग्विजय का बड़ा अच्छा वो है। अभय के भतीजे हैं भाई, अभय के भतीजे हैं। हाँ, आदित्य देवीलाल, अमित सिहाग, दिग्विजय चौटाला, और यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं सरदार बलदेव सिंह जी। कैसा चुनाव समझे यहाँ का? देखिए, चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अमित वहाँ से निवर्तमान विधायक हैं। ये बिल्कुल पंजाब से लगता हुआ है। बिल्कुल, और डबावली शहर का तो एक पार्ट जो है ना पंजाब के अंदर है, और एक पार्ट हरियाणा में। कहते हैं एक बुआ खुलता है पंजाब में, एक बुआ खुलता है हरियाणा में। यस यस यस। तो पंजाब का वहाँ पे प्रभाव तो है, और वही बात फिर आ जाती है कि आंदोलन का प्रभाव रहा पिछला जो चुनाव। आंदोलन की बात भी आ जाए अगर जी, आंदोलन को कांग्रेस की भी सपोर्ट, आंदोलनों की कांग्रेस को भी सपोर्ट, आंदोलन वालों की इनेलो को भी सपोर्ट। हाँ, इनेलो, अभय सिंह चौटाला रिजाइन दे दिया, रिजाइन किया था और खुल के उन्होंने समर्थन किया था अभय चौटाला ने। तो अब वहाँ पर जो है इनेलो से ये आदित्य देवीलाल जो है ना वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये बीच में बीजेपी से थे। हाँ, और मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, और जिला के सिंबल पे चुनाव लड़े, जिले के अध्यक्ष रहे, जिला के अध्यक्ष भी रहे। अब वो टिकट नहीं मिला या उनका क्या मनमुटाव हुआ, जो भी कारण थे, आज वो अपने वापस इनेलो के अंदर आ गए हैं। वो जो देवीलाल के चौथे नंबर पे जो सपुत्र थे जगदीश, जगदीश के बेटे हैं ये, परिवार में लौट के आ गए हैं, और परिवार इनके साथ पूरा खड़ा हुआ है। और आज वहाँ की स्थिति ये है कि मुकाबला जो है कांग्रेस और इनेलो का है। बीजेपी को बाहर कर दें, बीजेपी बाहर है, दिग्विजय चौटाला क्या करें, बिल्कुल बाहर है दोनों ही। तीसरे चौथे की लड़ाई दिग्विजय और बीजेपी में रहेगी भाई, वो क्या लड़ाई है देखने का है। तीसरे चौथे की तो रहेगी, लेकिन वो चर्चा में कोई लड़ाई में या फाइट में नहीं, पहले दूसरे पे आ जाए जी। अमित सिहाग के लिए कहते हैं कि पिछली बार वहां पर सिख मतदाता है लगभग 20-25 हजार के आसपास जी। हाँ, सिख मतदाताओं ने अमित सिहाग की मदद की थी, अमित सिहाग विधायक बन गए थे। बिल्कुल, उन्हीं की बदौलत ही ये विधायक चुने गए थे। भाजपा ने गेम खेल दिया, सरदार जी खड़े कर दिए बलदेव सिंह जी। हाँ, अमित सिहाग के लिए दिक्कत तो खड़ी हो गई होगी। बिल्कुल, तो इन सारी बातों को जैसे आपने ठीक कहा, ये जो एग्जैक्टली जो आपने एक बताया ना, उसी के नतीजा स्वरूप ये हो रहा है कि उनका चुनाव पीछे चला गया है। अच्छा, आदित्य देवीलाल के साथ भी देखें तो इनेलो जी, प्लस गोपाल कांडा का वोट, प्लस सरदार प्रकाश सिंह बादल का वोट, प्लस बीएसपी का वोट। गोपाल कांडा का तो वहाँ डबावली जो भी होगा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो होगा ही। नहीं, उनका ऐसा नहीं है, वो सिरसा में उस कुटिया के जो उनके हैं वहाँ तक है, उसी में। हाँ, सरदार प्रकाश सिंह बादल का प्रभाव सरदार होता है, और वो है ठीक है आपकी बात। तो इन सब बातों से इनेलो का जो है ना अपर हैंड है। आदित्य देवीलाल एज है, बिल्कुल चुनाव जीत सकते हैं, जीत सकते हैं, ग्रीन सिग्नल दे देते हैं इनको जी। इनेलो की सीट डबवाली सिरसा के अंदर दो की चर्चा की, डबवाली पर आदित्य देवीलाल के रूप में इनेलो का हरा झंडा लहरा सकता है, यानी कि हरे झंडे को हरी झंडी, हरी झंडी। अगली विधानसभा की बात करते हैं, एलनाबाद जी, अभय सिंह चौटाला जी, 2014 में विधायक, 2009 में विधायक, यही एलनाबाद से। हाँ हाँ, 14 में एमएलए बनने के बाद, 19 में एमएलए के बनने के बाद जी, किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, चुनाव फिर जीत गए जी, एक अकेला सब पे भारी जी। हाँ,
अभय चौटाला के लिए मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप हरियाणा विधानसभा की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको उठा करके देखिए, निसंदेह जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य। जैसे मोदी जी ने कहा था ना, संसद के अंदर एक अकेला सब पे भारी बात है। और मैं ये मान रहा हूँ कि विधानसभा में ये एक अकेला पे तो ऐसा हुआ है, सिंगल एमएलए अपनी पार्टी के। हाँ, और सब पर भारी। विधानसभा में जो आप प्रोसीडिंग उठाइए, आप देखिए, उसमें सब में भारी और रहे और हावी रहे और अपनी बात को मजबूती के साथ इन्होंने, मतलब अभय है ये कह देता हूँ। बिल्कुल, ये मुकाबला है भरत सिंह बेनीवाल से, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जी। बीजेपी ने उतारा यहाँ पर अमीर चंद मेहता को जी। अमीर चंद मेहता भी चौधरी देवीलाल की पाठशाला के विद्यार्थी हैं। हाँ, एसएस बोर्ड के शायद मेंबर या चेयरमैन ऐसा कुछ पता नहीं रहे थे कुछ जी। अमीर चंद मेहता का प्रयोग बीजेपी का मेरी समझ से बाहर है। पंजाबी मतदाता भी इतने ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अंदर खाने बीजेपी और अभय साथ मिले हुए हैं, इसलिए उनकी मदद के लिए ये उतार दिया कमजोर। ऊपर खाने तो अभय चौटाला खूब खाट खड़ी करते हैं इनकी। बीजेपी की एक सोच है जी कि हरियाणा के अंदर जो किसान है ना, वो कांग्रेस की तरफ ना जाए। हाँ, उनमें बंटवारा हो, कुछ इनेलो कुछ जेजेपी के साथ चले जाए। तो मुझे ये लगता है कि वो दोनों को उभार के चलती है बीजेपी। अच्छा, आप क्या समझते हो कि कोई इनकी टेबल पर कोई बैठक हुई होंगी या टेबल के नीचे बात चलती होंगी सभी, अंडर द टेबल या ऑन द टेबल? ये चलती है अंडर द टेबल ही कहिए, और पब्लिक में तो पर्दे के पीछे ही होता है ये सारा खेल। हाँ, नाटक सारे जो होते हैं, हाँ, उनका जो घटनाक्रम होता है वो पर्दे के पीछे चलता है, पर्दे के सामने तो बस किरदार आ जाते हैं। हाँ, वहाँ तो शायद उलट ही पलट बात होती है। बीजेपी के पास सबसे मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर मीनू बेनीवाल थे। जी हाँ, चौधरी देवीलाल के, ओम प्रकाश चौटाला के, अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, इनके परिवार के राज भी बहुत जानते थे। हाँ, इसके बावजूद वहाँ पर एलनाबाद में बीजेपी ने उनको टिकट देने की बजाय अमित शाह मेहता को टिकट दिया। यही तो चर्चा कर रहे थे कि लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट जो उतारा है वो क्या वजह हो सकती है। तभी तो वो बात में से बात निकली कि भाई क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एक दूसरे का वो है। खैर, चलिए, वो तो जो अब आ गए हैं, चलिए अब तो जो है वो है। आज की क्या है, बेनीवाल साहब चुनाव जो है पहले भी हारते रहे अभय सिंह चौटाला से, देवीलाल परिवार से, एमएलए रहे भी, एमएलए रहे हैं। अब कैसा मुकाबला लग रहा है दोनों में? देखिए, मुकाबला है वहाँ पे कांग्रेस का और इनेलो का, दोनों पार्टियों की वजह से भी और कैंडिडेट्स का भी। लेकिन फिर भी अभय का चूंकि एक रहा है प्रभाव, रुतबा है वहाँ पे, जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे तो अभय का वहाँ पर उस सिरसा बेल्ट में जो है उन्होंने अपना काम करने का, एक क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, तो उनके साथ जुड़ाव है, ऐसी बात नहीं तो है। अभय सिंह चौटाला को एज है, हाँ, चुनाव जीत सकते हैं, विधानसभा में फिर दिखेंगे दहाड़ते हुए जी। रानिया जी, चौथी विधानसभा सीट। हाँ, सुन रहे हैं दादाजी मैदान छोड़ रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला। जो रंजीत सिंह इस वक्त वहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, और बीच में उन्होंने जो लोकसभा का, बता दूं पहले दर्शकों को, रंजीत सिंह चौटाला सिटिंग एमएलए हैं जी, जी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से आए थे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से गए थे बीजेपी में, हिसार का लोकसभा चुनाव लड़ा था, टिकट मांग रहे थे, मिली नहीं, इंडिपेंडेंट मैदान में है जी। अर्जुन चौटाला उनके पोते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते, तो उनके भाई के पोते हैं जी। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी से मैदान में है जी। सर्वमित्र कंबोज जी यूट्यूब चैनल चलाते थे अपना जी, पत्रकार से नेता बने और चुनाव मैदान में है जी। और शीशपाल कंबोज बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो आपने ये बताया कैंडिडेट्स के बारे में जी, तो मुकाबला तो इस वक्त कांग्रेस और इनेलो के बीच में, इनेलो और कांग्रेस, यानी कि सर्वमित्र कंबोज और अर्जुन चौटाला के बीच। हाँ जी, तो भाजपा कहाँ है? भाजपा काफ़ी पीछे है, बैकवर्ड कैंडिडेट दे दिया शीशपाल कंबोज के रूप में ओबीसी, लेकिन ये भी सर्वमित्र भी कंबोज ही, ये भी ओबीसी है, नया लड़का है और पत्रकारिता के उसमें हुनर दिखाते थे अपना खूब। हाँ, नहीं अच्छा, मसला मसला चलता था इनका चैनल मसला। हाँ, मसला के नाम से।
तो काफी अच्छा इनका विवेचना और जो था व्याख्या काफी अच्छी जी, करते रहे जी, जी, और सूझबूझ का इन्होंने अपना परिचय देते रहे। आज वो कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं तो मसला खड़ा कर दिया अर्जुन चौटाला के सामने। हाँ बिल्कुल है। अच्छा मैं आपको बता रहा था जी, रंजीत सिंह चौटाला 87 में एमएलए बने एक बार जी, उसके बाद उनका जो दूसरा दाव लगा वो 2019 में लगा। हाँ 42 साल बाद, जो भी 32 साल कह सकते हैं। हाँ क्योंकि वो 87 से और 13 साल वो हो गए जी, और फिर उसके बाद में 22 19 में हाँ 32 32 साल बाद 32 साल बाद दाव लगा उनका जी। सब कुछ ठीक था जी। अब चर्चा ये सुनने में आ रही है कि रंजीत सिंह चौटाला सरेंडर भी कर रहे हैं चुनाव में, आपने सुना कहीं? चर्चाएं तो चलती रहती है, जब होगा तब देखेंगे। तब इस देखेंगे बात को। तो मुकाबला रंजीत सिंह चौटाला से नहीं? ऐसा है कि चौधरी रंजीत सिंह एक सुलझे हुए नेता है और जो देवीलाल सरकार में बड़े प्रभावशाली रहे और लोग तो ये कहते थे कि सरकार ही उन्होंने चलाई, काफ़ी अनुभव है और पीछे कैबिनेट मंत्री रहे हैं खट्टर साहब के उसमें भी और नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में भी। और जहाँ तक उनका स्वभाव है उसके सब कायल हैं। उनके बारे में ये है कि वो बहुत मिलनसार हैं और सामने जो भी है सबके वो इज्जत काफ़ी करते अपना बना लेते हैं। हाँ काफ़ी इज्जत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चुनाव नहीं जीत पाए। दुर्भाग्य ये है कि वो पारिवारिक जो झगड़ा पारिवारिक जो लड़ाई है और उसका सीधा असर ये आता है इनके ऊपर जी। पिछली बार इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, पूरा परिवार साथ था इनके पिछली बार, तो ये चर्चाएं थी तभी जीत गए, तभी आप लोग जीत गए। अब परिवार आमने सामने हो गया तो ये वो झगड़ा और वो चीज फिर पीछे ले जाती है। दादा पोता आमने सामने, पोता मजबूत या सर्वमित्र? देखिए वहाँ फाइट काफी है और कहा नहीं जा सकता कि वोट किस करवट बैठे, लेकिन वहाँ की जो चर्चाएं हैं वो कहते हैं एलनाबाद और डब्बाली से पहले रानिया जीत जाएगा छोटा परिवार, कहते हैं लोग। हाँ थोड़ा एज मानते हैं, एज उनको है। हाँ, अर्जुन चौटाला अर्जुन को है अभी तक। अगर जैसा आप कह रहे हैं कि जो रंजीत सिंह अगर मैदान से पीछे हट जाते हैं, देखो सर्वमित्र को भी काटने के लिए शिषपाल कंबोज है, ओबीसी वोट बिल्कुल काटेंगे, शत प्रतिशत काटेंगे। तो जो कट गया, अब बात तो है कि आज की स्थिति पे हाँ, अगर रंजीत सिंह वापिस चले जाते हैं आज की स्थिति पे सर्वमित्र कांग्रेस ज्यादा पीछे नहीं है, बराबर है 1921 का फर्क है, एज कह सकते हैं अर्जुन चौटाला को 1921 कह सकते हैं हम। अगर जो रंजीत सिंह समर्थन दे देते हैं या चुनाव से हट जाते हैं तो बट नेचुरल है कि उसका लाभ बहुत बेनिफिट होगा सर्वमित्र को जाएगा। सर्वमित्र को या अर्जुन चौटाला को? नहीं सर्वमित्र को जाएगा। ओके हाँ, अगर मतलब रंजीत सिंह वापिस होते हैं तो वो कांग्रेस को समर्थन चला जाएगा बिल्कुल। और अभी अगर मैदान में है ये तय है, ये तय है। और अभी मैदान में जो आज का माहौल है उसमें अर्जुन सिंह चौटाला को एज है इस वक्त। आज के हालात में बात करेंगे और अंतिम चर्चा तो आपसे 3 तारीख की शाम को जरूर करेंगे। तो रानिया में अर्जुन सिंह चौटाला को एज है और यानी कि अब की बार बापू बेटा दोनों विधानसभा में दिख सकते हैं, अभय सिंह भी और अर्जुन चौटाला भी जी। ठीक है जी, तो रानिया में भी हरी झंडी दे दें हरे झंडे वालों को जी, अर्जुन चौटाला को। अगली विधानसभा की बात कर लेते हैं, सिरसा की अंतिम सीट कालांवाली जी, रिजर्व सीट है जी कालांवाली। हाँ शिषपाल केहरवाला यहाँ पर कैंडिडेट हैं, निवर्तमान एमएलए हैं, कांग्रेस के नेता हैं जी। उनके सामने बीजेपी ने टिकट दिया है राजेंद्र देशुजोधा को जी। राजेंद्र देशुजोधा पर आपको बताऊं मैं, नशा मनोहर लाल खट्टर आरोप लगाते रहे थे जी, पार्टी से भी निकाल दिया था जी, फिर पार्टी में लिया टिकट दिया जी, नीति का राज लाने के लिए, ऐसी नीति जिससे तो राज आ जाए। ये चीज़ें तो आपने जैसा बताया तो ये तो पार्टी के लिए भी और उम्मीदवार दोनों के लिए घातक है ये चीज़ तो। अच्छा ये चार चर्चा कर ली हमने सिरसा की जी, का पांचवी विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं कालांवाली की जी। शिषपाल केहरवाला हुड्डा ग्रुप से हैं या सैलजा ग्रुप से हैं? देखिए ग्रुप की तो बात मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी शैलजा जी ने वहाँ उनके पक्ष में वो किया है प्रचार कालांवाली में। हाँ शैलजा जी तो फिर तो कांग्रेस के गुट के कह देते हैं सीधा, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। हाँ
कांग्रेस को फायदा तो मिलेगा, और पीछे भी शैलजा जी ने इनको मदद किया है, शैलजा जी से दूर नहीं है। अच्छा, और हुड्डा साहब को भी वो मान आदर रखते हैं। तो ऐसा है, बहुत से ऐसे हैं उम्मीदवार जिनके बारे में लोग गुटबाजी में उनको अपने उस डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कालावाली क्या कह चले, शीशपाल केहरवाला या इनेलो कैंडिडेट तो कितने मजबूत है? नहीं, शीशपाल केहरवाल। ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल कांग्रेस के लिए सिरसा लोकसभा में दूसरी सीट जी। कालावाली शीशपाल केहरवाला चुनाव जीत सकते हैं, चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं जी। अगली बात करते हैं, सिरसा जो लोकसभा की, सिरसा जिले की पांचों सीटें हो गई जी। अगला जिला आ गया हमारे पास में, इसमें फतेहाबाद। फतेहाबाद हेडक्वार्टर फतेहाबाद जी। डूडाराम आज निवर्तमान MLA हैं, हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई के चचेरे भाई। हाँ, बलवान सिंह दौलतपुरिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर, बलवान सिंह XML हैं जी। और इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ पर उतारा है सुनैना चौटाला को, हाँ जी। कैसा चुनाव मान के चलें, क्या मुकाबला? मुकाबला कांग्रेस और BJP का ही है। सुनैना है, ठीक है, बट केवल उपस्थिति दर्ज रहेगी या नहीं, फाइट में भी आएंगे कहीं? फाइट में दोनों के बीच में है, सुनैना कोई फाइट में नहीं है जी। और जहाँ तक है, दूड़ाराम पहले विधायक रहे हैं वहाँ से BJP के, तो आज का जो माहौल है उसके मुताबिक कांग्रेस की स्थिति वहाँ पे बेहतर है। तो लगता है कि बलवान सिंह जो है वो बाजी मार जाएंगे। तो बलवान सिंह दौलतपुरिया को ग्रीन सिग्नल दिया जाए जी। हाँ, बिश्नोई मतदाता वैसे बहुत ज़्यादा है भी नहीं वहाँ पर, बिश्नोई पंजाबी मतदाता बड़ी संख्या में है फतेहाबाद में, फतेहाबाद शहर में है, शहर में बड़ी संख्या में पंजाबी मतदाता है, जाट मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है जी। तो बलवान सिंह दौलतपुरिया को एज दें, बिल्कुल एज ऑन है और चुनाव जीत सकते हैं आप कह रहे हैं? जीत सकते हैं। कांग्रेस के लिए ये इस लोकसभा के अंदर तीसरी सीट जी। अभी तक 6 सीटों पर चर्चा हो गई, 3 कांग्रेस, 3 INLD जी। अगली विधानसभा पे आते हैं, रतिया जी। लक्ष्मण नापा यहाँ से MLA थे, लक्ष्मण नापा का टिकट काट करके और जो वहाँ की पूर्व सांसद हैं जी सुनीता दुग्गल, हाँ IRS ऑफिसर थी वो, रिटायर्ड सेवानिवृत्ति, VRS लेकर राजनीति में आई जी। पहला चुनाव रतिया से वो विधानसभा का लड़ी 2014 में जी, चुनाव हार गई जी। उसके बाद उनको टिकट मिला लोकसभा का, सांसद बन गई जी। उसके बाद वो सांसद वाला टिकट कट गया और रतिया का टिकट फिर मिल गया, अब MLA का चुनाव मैदान में है। हाँ जी, जरनैल सिंह वहाँ पे पुराने नेता हैं, MLA रहे एक बार वो भी जी। और सुनैना चौटाला तीसरा, वो जो आ गए मेन कैंडिडेट, ही दोनों ही है, मेन दो ही है। हाँ, बाकी तो कैंडिडेट तो और भी होंगे पर मेन जो फाइट इन दोनों में ही है जी। हाँ जी, क्या माने रतिया को? रतिया आरक्षित सीट है और जहाँ तक संबंध है, सुनीता दुग्गल का जो टिकट कटा पार्लियामेंट का और उनकी जो कार्यशैली थी, लोगों के बीच ना जाना और काफ़ी नाराज़गी रही है। उनके सांसद रहते हुए जब वो आखिरी जब चुनाव का समय आया तो उस वक्त जहाँ भी वो जाती थी तो उनका बड़ा विरोध सा रहा है। लोगों तो अशोक तंवर का भी हुआ। हाँ, जब चुनाव शुरू हुआ सुरजेवाला साहब तो मेरी बहुत लोगों से बात होती थी। अशोक तंवर का तो कोई और भी कारण थे कि हाँ, पार्टी बदलना, लोग कहते थे कि सुनीता दुग्गल ज़्यादा मजबूत होती है अशोक तंवर से। नहीं, अशोक तंवर का तो ये था ना कि वो उनका तो रोज ही वो मतलब कभी इधर कभी दूसरी तरफ, तो वो बड़ा चर्चा रही कि भाई इस वजह से उनका तो था। तो अब क्या मान के चले? लेकिन विरोध तो इनका भी रहा था पूरे उसमें। हाँ, उनका भी रहा था विरोध, इस वजह से इनका टिकट कटा और वो जब क्षेत्र में नहीं गई और लोगों से संपर्क नहीं रहा, कटा रहा, तो अब भी कोई ज़्यादा लोगों में इस बात की वो नहीं है कि भाई सुनीता जी का कोई उस इलाके में कोई संपर्क रहा हो या लोगों के बीच रही हो, तो ये सीट वो उनको भारी पड़ेगा। कांग्रेस को मिल सकती है? कांग्रेस को, रतिया में कांग्रेस को दे सकते हैं, वो सीट कांग्रेस को ही जा रही है। यानी कि 4-3 जी, 4 कांग्रेस, 3 लोकदल, 7 सीटों की चर्चा कर चुके जी। 8वीं सीट की चर्चा पे आते हैं, 8वीं सीट है नरवाना, टोहाना को पहले, टोहाना पहले लेते हैं। हाँ, टोहाना पहले आ गई, फतेहाबाद जिले की टोहाना विधानसभा सीट जी। देवेंद्र बबली यहाँ से विधायक हैं निवर्तमान, JJP से, वो JJP से
थे। सुभाष बराला बढ़िया पिंड छुड़ा गए, अपना राज्यसभा की टिकट चुनाव मिल गया, मौज आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कह सकते हैं ना, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। 2019 में 50,000 से ज्यादा वोटों से हारे, 52,000 वोटों से हारे थे, रिकॉर्ड वोट है विधानसभा में 52,000 का हारना जी। नैन तारा हैं वो भी मनोहर लाल जी के, सुभाष बराला। हाँ हाँ, और अपने नैन तारा को उन्होंने बिल्कुल सेफ उठा करके राज्यसभा भेज दिया। देवेंद्र बबली कैंडिडेट हैं अब लोकदल के, कांग्रेस, कांग्रेस देवेंद्र बबली बीजेपी के, बीजेपी से, क्षमा करें, देवेंद्र बबली बीजेपी से कैंडिडेट हैं, कांग्रेस की ट्राई कर रहे थे, कांग्रेस ने लिया ही नहीं था उनको पार्टी में जी। मुझे ध्यान आया उसका उनका बयान दीपक बावरिया का, जब उन्होंने कहा था कि देवेंद्र बबली आए थे लेकिन हमने लिया नहीं, लौट के सदस्य ही नहीं, लौट के घर को आ गए, यही कह देते हैं। बीजेपी के टिकट पर देवेंद्र बबली लौट के घर नहीं आए, वो जेजेपी से विधायक बने थे और जेजेपी और बीजेपी ये की बात थी, इसलिए मैंने कहा लौट के घर को आ गए। ये कहिए बाकी जेजेपी से छोड़ करके वो उन्होंने समर्थन वो करते रहे। दुष्यंत चौटाला को तो पहले दिन आंख दिखानी शुरू कर दी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला को आंख दिखाई, फिर दुष्यंत चौटाला को किस तरीके से मनाया, हाँ वो सब चला, और सब चला फिर वो रामकुमार गौतम के बाद देवेंद्र बबली थे जिन्होंने दुष्यंत चौटाला की नाक में दम कर दिया था। नहीं, वो ये भी कहते थे कि अगर फील्ड में जाएंगे ना लोगों के बीच तो लोहे के कवच पहन के जाना पड़ेगा। अब अच्छा, यहाँ पर कैंडिडेट कांग्रेस के परमवीर सिंह, वो तो यहाँ तक भी कहते थे कि खट्टर साहब गांव में एक सभा तो करके दिखा दे। मैं बताऊंगा अभी, वो बात करते हैं जी। कैंडिडेट है परमवीर सिंह कांग्रेस के जी, सरदार हरपाल सिंह के बेटे हैं और पहले भी हरपाल सिंह जी विधायक और मंत्री स्पीकर रहे हैं, और स्पीकर भी रहे हैं विधानसभा के, और कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हाँ। कुणाल सिंह चौधरी नहीं रहे, वो स्पीकर नहीं रहे ना। मुझे ध्यान आता स्पीकर भी, सरदार हरपाल चट्ठा साहब रहे थे, नहीं वो चट्ठा साहब थे, वो तो 1968 में मंत्री बने, उद्योग मंत्री रहे, कई विभाग रहे हैं, और सरदार हरपाल सिंह का बड़ा नाम था, बड़ा नाम रहा जी उनका, और कांग्रेस के प्रधान रहे, कांग्रेस प्रधान रहे। कुणाल सिंह यहाँ पर कैंडिडेट हैं ओम प्रकाश चौटाला जी के नवासे, दोहते हैं। चुनाव कैसा मान के चले? चुनाव सीधा टक्कर है वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की। देवेंद्र बबली ने 11 लाख रुपए दिए थे गुरुद्वारे के लिए, हाँ जी, वो लोगों ने 11 लाख का चेक बना के वापस कर दिया है जी। एक मसला और मैं सुन रहा था जी, मसले की बात आएगी तो सर्व मित्र याद आएंगे जी। एक और सुन रहा था तो वो भी उनको वापस किया। हाँ। और तीसरी बात आ जाती है देवेंद्र बबली के लिए जी, कामों में लोग घुसने नहीं दे रहे। ऐसा है, देवेंद्र बबली ने पहला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा जी, और अच्छी खासी वोट हासिल की 35,000 के करीब, और फिर 19 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट चाही, अशोक तंवर के साथ वोट रहते थे। हाँ, मैंने बताया ना, कांग्रेस की टिकट चाहते थे लेकिन नहीं मिली, तो उन्होंने फिर आखिरी मौके पे जेजेपी का दामन थाम लिया और टिकट लिया और चुनाव लड़ा, और अच्छी जैसे 52,000 की लीड से उन्होंने चुनाव जीता, और तत्कालीन जो थे सुभाष बराला उनको उन्होंने सिक्स दी, पराजित। अच्छा, सुभाष बराला इनके रिश्ते में कुछ रखते हैं, दादा वादा कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे। ऐसा है कि वो बडाई खेड़ा गाँव है, अच्छा, डांगरा बड़ा गाँव है, डांगरा जी, और एक है बिढाई खेड़ा जी, ये बिढाई खेड़ा में रहते हैं बबली, तो हाँ पारिवारिक तो है, और डांगरा के वो हैं क्या, हाँ बराला जी तो पारिवारिक तो है, बट कोई ज्यादा नहीं, लेकिन नजदीक का रिश्ता कोई नहीं, लेकिन वैसे उनका आपस में बिगाड़ है, परिवार एक है, हाँ पॉलिटिकल परिवार भी एक है, तो हाँ पॉलिटिकल परिवार है, बाकी वैसे रिश्ते में खटास है, वैसे वो चाचा भतीजा कहते हैं अपने एक दूसरे को, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। वैसे अगर बात करें तो ये तो देवेंद्र बबली का गांव तो हिसार में खरड़ गांव है, खरड़ है, ये तो इनके पिताजी की वहाँ ससुराल, इनके दादाजी की ससुराल, बबली के जो दादाजी थे उनकी ससुराल है ये बिढाई खेड़ा। ओके। और चूंकि इनके मामा कोई नहीं थे तो वो जैसे नाट पे कह देते हैं चले गए, हाँ, वो उनके जो दादाजी के कुछ साला नहीं थे तो वो वहाँ चले गए थे, okay. आबाद हो गए और ये वहाँ रहना शुरू कर दिया, तो वो पारिवार उस नाते तो परिवार है वो पीछे, बाकी इनका तो कोई वो नहीं है। चलिए, एनी हाउ इलेक्शन क्या समझे, देवेंद्र बबली का जो एक कार्यशैली रही ना,
कहीं तो इन्होंने अच्छा बना के रखा, कहीं इनका बिगाड़ रहा। गुस्से वाले भी हैं। हाँ, मैंने बताया ना, कभी अच्छा और कभी बुरा। अच्छा तो ये है कि लोगों से मिलना जुलना, और इन्होंने अपना ऑफिस कायम रखा हुआ है, वहाँ लोगों से संपर्क भी बना के रखा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं, आंदोलन के समय भी उलट सुलट बयान, कुछ भी कहते थे, और फिर सरपंचों का खासकर, हाँ सरपंचों वाला इशू सारा बना इनका। वो जो मसला पहले तो ये हुआ कि शुरुआत में ये चूंकि विधायक थे जेजेपी के, और सुभाष बराला बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, और भाई सरकार में तो दोनों साहब के, नहीं नहीं खट्टर साहब के वो ज़्यादा नज़दीक थे, तो देवेंद्र बबली को ये तकलीफ रहती रही कि मैं जेजेपी का विधायक, सरकार को समर्पित, और मेरी चलती नहीं, तो ग्रीवेंस कमेटी में और कई मसलों पे अधिकारियों से उलझना कि मेरी बहुत चलता है, हमने हमने बयानबाजी सब होती वो इसीलिए ना कि मेरी नहीं चलती, और वो काफ़ी अरसा तो यही लड़ाई रही जी। और फिर बाद में जैसा ये मंत्री बन गए, और मंत्री बनने के बाद क्या गुल खिला, हाँ वो सरपंचों को ऐसा, और उस मामले में इनको इतना डिफेम किया, और तो उसका बड़ा इनके ऊपर वो है। चलिए, चुनाव प्रणेत्र कुणाल सिंह फैक्टर है कोई? नहीं, कोई फैक्टर नहीं। आमने सामने का मुकाबला, आमने सामने का मुकाबला है। और परमवीर जो है, हाँ। वो मैंने बताया ना कि वो हरपाल जी के बेटे हैं, और उस इलाके में सरदार हरपाल सिंह का बहुत नाम रहा। ये ठीक है कि बीच में थोड़ा सा कुछ लोग और भी आते रहे, परमवीर अपने आप में एक बहुत ही सज्जन और बड़ा सभ्य आदमी, बिल्कुल बहुत ही, और शरीफ, जिसको मैंने भी देखा उनको एक बार, मिले हैं मुझे। अगर आप मिलेंगे तो आज के दिन वो जो मैंने बताया ना, जो पिछला रेफरेंस, जो पिछली 5 साल की कारगुजारी रही और उसमें ऊपर नीचे जो होता रहा, उसका परमवीर को फायदा मिलेगा, परमवीर जी को फायदा है। चुनाव में एज है, हाँ जीत सकते हैं, जीतने का आसार है। परमवीर सिंह को हरी झंडी दें जी। 5वीं सीट 9 में से जी, कांग्रेस को, कांग्रेस को जाती नजर आ रही है आज जी। जी 3 अभी तक हमने लोकदल को दी जी, 5वीं कांग्रेस को दी जी। नरवाना जी, जींद जिले की नरवाना विधानसभा सीट आपकी विधानसभा सीट आरक्षित है, आरक्षित सीट है जी। इस लोकसभा में 3 सीट आरक्षित हो गई, कालावली, रतिया और नरवाना। ये एक्चुअली क्या है कि हाँ, 3 है इसमें, और इसीलिए लोकसभा भी आरक्षित है। एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरा अपना गांव का पंच का वार्ड भी आरक्षित, सरपंच का पद भी आरक्षित, पंचायत समिति का जो वार्ड है वो भी आरक्षित, और जिला, हाँ ब्लॉक का, और जिला परिषद का भी आरक्षित, और विधायक भी आरक्षित, और सांसद भी आरक्षित, हाँ करेला और नीम जड़ा सब कुछ इकट्ठा मिल गया था आपको। चलो नरवाना बताएं, नरवाना के विधायक निवर्तमान है रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, जेजेपी के विधायक बने थे जी, जेजेपी के विधायक बन के समर्थन बीजेपी को था ही जी। वैसे तो दुष्यंत से ठीक बनती थी इनकी, पर एंड में आते आते बिगड़ाव शुरू हुआ। ऐसा है, हाँ वो मेरे गांव का है। अच्छा, और आपका गांव भी सुरजाखेड़ा है? हाँ, उनका गांव भी सुरजाखेड़ा है। उनका गांव भी नहीं है, वो मेरे गांव से है। अरे ये बात है, ये ठीक है। इसके जो पिताजी थे राम कुमार, वो हमारे ड्राइवर रहे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर के ऊपर खेत में, और ये नौकरी करता था ये लड़का रामनिवास, हुड्डा डिपार्टमेंट में। वहाँ से ये छोड़ कर के इसको राजनीति की लगन लगी और कोशिश की, और ये कांग्रेस पार्टी इसने ज्वाइन की, और कांग्रेस पार्टी के जलसों में और में इसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और काफ़ी सक्रिय रहा, चर्चित भी रहे। हाँ, ऐन वक्त पे जब देखा कि सारे टिकट नहीं मिल रही नरवाना 2019 में, बबली की तरह ऐन लास्ट में इसने जेजेपी का नामन थाम लिया और टिकट ले आया। लोगों में चर्चा भी रही भी कैसे टिकट मिला अचानक। एनी हाउ, अच्छी वोटों से कामयाबी हुई इसको, 32-35 हज़ार से 32 हज़ार के करीब। और इसको भी फिर वही रहा कि मेरे को कोई पद मिले। आखिर जेजेपी ने तो सिर्फ अपने एक दुष्यंत के पास ही था, वो दादा गौतम कहते थे ना, अकेला ही जीम गया सारा।
तो किसी को कुछ नहीं मिला। ईश्वर सिंह थे, रामकरण काला थे, या ये भी उसमें शामिल थे। अनूप धानक को मिल गया बस सिर्फ, हाँ, बस उसको भी वो रहा बहुत ही छोटा सा। हाँ। अब इनको तकलीफ रही और इन्होंने फिर खट्टर साहब के तो गीत गाने शुरू कर दिए और दुष्यंत को इग्नोर कर शुरू कर दिया। हाँ। आपने कहा ना कि उनके साथ अच्छी, अच्छा, उनके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं। शुरू शुरू में साथ थोड़ा था, नहीं वो शुरू हुआ तो साल छह महीने की बात। हाँ। थी वो तो था कि वो जब तक हनीमून चलता है जब तक कि मुझे शायद कुछ बन जाए, उधर से कुछ मिल जाए। जब लगा कि नहीं तो ये तो खट्टर साहब के बिल्कुल पाँव में, उनके चरणों में। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने लोकसभा चुनाव में इनको खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया और लास्ट तक ये कोशिश करते रहे कि भी मेरे को बीजेपी से टिकट मिल जाए। तो मैं वही बता रहा था कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने समर्थन दिया बीजेपी को, उससे पहले भी देते रहे, ओपन दिया पंचायत करके बड़ी। हाँ, मीटिंग की बिल्कुल। उसके बाद भाजपा में शामिल भी हो गए, दुष्कर्म का आरोप लग गया, रेप का पर्चा दर्ज हो गया जी सुरजाखेड़ा साहब पे जी। रेप का पर्चा दर्ज हुआ तो उसके बाद में भाजपा ने शामिल भी नहीं किया पार्टी में जी, ऐसे ही रह गए बेचारे। हाँ। उसके बाद वो रेप का पर्चा, उनसे वो FIR कैंसिल हो गई जी एकदम से जी। हमने भी एक वीडियो डाला था, मैंने कहा कि सुरजाखेड़ा की जो FIR कैंसिल हुई है अब शायद दाल गल जाए, टिकट मिल जाए जी। टिकट दिया नहीं बीजेपी ने जी, बेचारे घर बिठा दिए। वो तो वो दावी है ऐसा चला कि भाई अगर हो तो, नहीं तो फिर वो चाबी टाइट कर दी जाएगी। आप तो हर जगह बीजेपी को ले आते हो, दाव उन्होंने चला नहीं है और ये चल रहा है आज। फिर दुष्कर्म का ब्लेम बीजेपी ने थोड़ी लगा दिया उन पे कोई, फिर वो दुष्कर्म का वो गया कहाँ। चलिए वो क्लीन चिट भी बीजेपी ने दी है, सरकार में ही मिली है क्लीन चिट। होगी क्लीन चिट तो सरकार ही देती है। हाँ वो FIR भी सरकार करती है, को भी है, ग्रोवर साहब को भी है, चलिए संदीप को भी है और आपके मरीज किशन को भी। किशन बेदी कैंडिडेट हैं बीजेपी के जी, MLA रहे थे पहले शाहबाद से 2014 में जी, 19 में हार गए साहब जी। और हारने के बाद में चंडीगढ़ खट्टर साहब के कबीर कुटीर के अंदर बढ़िया इनका जुगाड़ बैठ गया, वहाँ फिट थे जी। चुनाव का इनको शौक था, इन्होंने बीच में वो छोड़ी और सक्रिय हुए जी। मुझे लगता था कि शाहबाद टिकट मिलेगी और भेज दिया इनको नरवाना जी। नरवाना कनेक्शन क्या किशन बेदी का? एक्चुअली शाहबाद में कृष्ण वो रामकरण काला का जो था ना, उस प्रभाव को देख के इन्होंने वहाँ, चूँकि हार भी हुई थी तो उन्होंने इसमें भलाई समझी कि वहाँ से छोड़ खुद ही आ गए। हाँ तो नरवाना तो कनेक्शन भी है। नरवाना इनके दादा कभी पहले कलोदा गांव है वहाँ के ये रहने वाले होते थे, वो बहुत अरसा पहले वहाँ से शाहबाद शिफ्ट हो गए थे। अब चूंकि वो याद आई तो रिजर्व सीट नरवाना है तो हर कोई ढूंढता है कि भी मैं, अब जैसे मोदी जी जहाँ जाते हैं कि मेरा तो यहाँ से बड़ा पुराना नाता हाँ, है हाँ, हाँ। तो इन्होंने भी वो नाता निकाल लिया। कौन सा गांव बता रहे हो? कलोदा। आगे लिख रहे हैं बिशन बेदी कलोदा। यस, दो गांव है, कलोदा कलां और कलोदा खुर्द। तो आजकल वो गांव का नाम भी लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो बीजेपी कैंडिडेट हो गए। हाँ। कांग्रेस का टिकट है विद्या रानी, पिछली बार चुनाव हारी थी, विद्या रानी का टिकट काट दिया जी कांग्रेस ने जी, और सतबीर दबलैंड को टिकट दे दिया जी। विद्या देवी इंडिपेंडेंट मैदान में है, नहीं INLD से चौटाला परिवार से जी। कैसी फाइट है नरवाना में? नरवाना में तिकोना मुकाबला कहा जाता है, लेकिन असली फाइट इस वक्त इनेलो और कांग्रेस के बीच में। बेदी साहब तीसरे नंबर पे गए। हाँ, यानी कि आमने सामने के मुकाबला है और कभी कोई वो नहीं रहा, वास्ता नहीं, आमना सामना। मैंने बताया ना इनेलो और कांग्रेस, विद्या रानी और सतबीर दबलैंड। सतबीर दबलैंड एज किसको है इस वक्त? विद्या रानी एक दलोदा गाँव से संबंधित है, बड़ा गाँव है, बिनायन जिसको कहते हैं खाप, नैन गोत जिसका है, नैन गोत्र तो वहाँ से वो संबंधित हैं उस गांव से। अगर नैन गोत्र और बिनायन खाप का जो समर्थन इनको मिल जाता है, अभी मिल रहा है क्या? दबा छिपा है और खुलकर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छी फाइट में है, उनका चुनाव में काफ़ी उभार है। दोनों में मान लें तो विद्या रानी को एज या सतबीर को? 1921 का है इस वक्त, 21 विद्या रानी। हाँ, इस वक्त विद्या रानी के बारे में ये कहते हैं कि भी वो पीछे दो बार हार गई, लोग ये कहते हैं कि रे संपत्ति भी चल जाती है, सानुभूति भी इसका है। सहारा दे दो इसको, महिला भी है, सहारा दे दो इनको। हाँ, वो सहारा अगर कितना मिलेगा ऐसा तो बहुत है, राजनीति में सहारे तो बहुत लगते हैं। तो विद्या रानी को सहारा नरवाना दे रहा है, अगर पूरा मिल गया तो सीट निकालेंगी। आज क्या मान के चले, एज है?
आज के मैंने बताया ना 1921 है, 21 में विद्या रानी आपने कहा सकते हैं यार। तो आज के हालात में नरवाना में विद्या रानी को 21 है यानी कि एज है और विद्या रानी चुनाव जीत सकती हैं, ग्रीन सिग्नल विद्या रानी को दे दें। जैसा आपने ठीक समझा, 9 विधानसभा में भाजपा का खाता कहीं नहीं खोला आपने, पार्लियामेंट का चुनाव देख लीजिएगा वही विधानसभा में होगा, 90 सीटों में से 42 सीटों में भाजपा के। मैं तो सिरसा की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, स्टेट की बात करेंगे हम, और सिरसा में एक भी सीट सेगमेंट पे एक नहीं एक वो लीड नहीं किया था, तो कोई उसको नजर नहीं आता। तो सिरसा लोकसभा की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, सुरजेवाला जी कह रहे हैं, और जो हमारी दर्शक कई बार कमेंट्स करते हैं, तो हम आपको बता दें कि ये केवल स्टूडियो का नहीं बल्कि वहाँ के सैकड़ों लोगों के साथ बातचीत करके, वहाँ के पत्रकारों से बातचीत करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उसके आधार पर आपसे बातचीत करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी से बताते हैं कि कहाँ के क्या हालात हैं। सिरसा लोकसभा की जो 9 विधानसभा सीटें हमने बताई, इनमें 5 सीटों पर कांग्रेस और 4 पर INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, यानी कि ताऊ का जमाना सिरसा वाला इनेलो वापस ला सकती है। 4 सीटों पर हरी झंडी, जो हरे झंडे को है, वो है डबवाली, एलनाबाद, रानिया और नरवाना। और जो 5 सीटों पर जो कांग्रेस का पंजा चल सकता है वो है सिरसा, उसके बाद में उसमें आ जाती है कालावाली, रतिया, फतेहाबाद और टोहाना। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।